bond, electoral bonds. He was famous for that. That was very, very nice. Very nice. Nilesh Bhosle sahab is waqt hamare saath hain. Rashtravadi Congress Party ke. Nilesh Bhosle sahab, namaskar. नमस्कार सर. नमस्कार सर. सर नमस्कार. कितने सीरियस क्यों लग रहे हैं सर, क्या हो गया? कितने इतनी बढ़िया, इतनी जबरदस्त रैली आपकी हुई शिवाजी पार्क में, बाप रे बाप, जबरदस्त. और उसके अलावा आज तो अश्योरेंस देनी पड़ी अजीत दादा पवार को सुप्रीम कोर्ट के अपने वकीलों के माध्यम से. अजीत दादा पवार साहब को आज दिए उन्होंने अश्योरेंस कि वो ना शरद पवार की तस्वीर इस्तेमाल करेंगे, ना शरद पवार जी का नाम इस्तेमाल करेंगे. तो आपके लिए तो बहुत अच्छा हो रहा है लग रहा है मुझे. और तीसरी चीज, आपकी पार्टी में ही शरद पवार जी का नाम आ गया है, अब तो आपको कैंडिडेट का नाम अनाउंस करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी पार्टी में लिखा हुआ है शरद पवार एनसीपी. तो हर एक कोई वोट जो कर रहा है वो शरद पवार जी के लिए कर रहा है. जबरदस्त हो गया सर. आप बताएं सर, आप बताएं बारामती में क्या होने वाला है सर, बताइए. बारामती सीट भारी बहुमत से आज तक के सबसे ज्यादा और रिकॉर्ड ब्रेकिंग वोट से सुप्रियता ही जीतने वाली, इसमें कोई दोहरा नहीं है. पूरे महाराष्ट्र को ये बात मालूम है. साथ ही साथ बारामती के सारे मतदारों ने अपना एक सोच, एक विचार बना लिया है कि किसी भी हालत में जिस व्यक्ति ने 7 साल 8 साल से संसद में अपना कर्तव्यगारी के दौर पर, मेरिट के दौर पर संसद रत्न पुरस्कार लिए, अपनी बारामती के विषय, महाराष्ट्र के विषय कंटिन्यूसली पार्लियामेंट में रखने का काम किया, ऐसे ही व्यक्ति को हमको वापस पार्लियामेंट में भेजना, इसलिए हम लोग एकदम निश्चित है किसी भी हालत में सुप्रिया भाई फिर से पार्लियामेंट में जाए. नीरज भोसले जी, जहां तक हमने देखा श्रीनिवास पवार जी जो भाई साहब है अजित पवार जी के, और पूरे फैमिली एक होकर सुप्रिया सुले जी का टोटल सपोर्ट कर रहे हैं, टोटल सपोर्ट. बट उसी के बाद भी अजित पवार गुट बहुत कॉन्फिडेंट है कि यू नो सुनेत्रा पवार जी विल एमर्ज विक्टोरियस. अजित पवार जी जिस प्रकार से कैंपेन चल रहे हैं, और उन्होंने पूरे शायद बारामती लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी का दौरा किया, हर इलाके में दौरा किया सिवाय एक इलाका में जहां उनका विरोध कर रहा था अभी जो एकनाथ शिंदे शिवतारे, विजय शिवतारे. तो कैसे आगे जाके कैसे देखते हो आप, क्या विजय शिवतारे एक बड़ा फैक्टर बनेगा? बिकॉज विजय शिवतारे बोल रहे कि मैं दोनों पवार को हरा दूंगा, सुप्रिया जी को भी हरा देंगे और सुनीता जी को भी हरा देंगे. हाउ डू यू सी दैट? देखिए, एक चीज हमको समझनी पड़ेगी कि विजय शिवतारे जी भी वोटर हैं और वो वोटर की भावनाओं को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं, और वो अच्छी तरह से जानते हैं कि वोटर किसी भी प्रकार से अजीत पवार के साथ में नहीं है, और इसीलिए वो अपनी बात कहीं ना कहीं शिंदेगढ़ में जाके रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी हालत में अजीत पवार का फ्रैक्शन या सुनेत्रा पवार जी जो है अजीत पवार जी के भाई, वो हारने ही वाली है. जब ये हारने ही वाले तो इनके पीछे खड़े रहकर फायदा क्या है, ये बात वो बार बार कह रहे हैं. और उसी को शायद एकनाथ शिंदे जी भी ये बैक कर रहे हैं कि सही बात है कि वो जब अपने मौत से मरने वाले तो हम लोग उसमें अपना नाम क्यों खराब करें. यानी वो लोगों ने भी ठान ली है कि पवार साहब की बेटी सुप्रिया ताई सुले जो इतने सालों से संसद रत्न है, महासंसद रत्न है, एक अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, स्टेट की बात अपने पार्लियामेंट की स्पीचेस के माध्यम से अच्छी तरीके से रखती है, स्टेट में अच्छा काम करती है, वही जब जीतने वाली है तो ये सुनेत्रा पवार का कुछ नहीं चलेगा, अजीत दादा का कुछ नहीं चलेगा. इसीलिए कहीं ना कहीं विजय शिवतारा जाके अपने पार्टी को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं. लेकिन यहाँ पर आपसे मैं एक छोटी सी बात मैं जानना चाह रहा हूँ, पता नहीं आप इस पर बोलना चाहेंगे या नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए बहुत जरूरी है. क्या आई एम सो सॉरी फॉर माई इग्नोरेंस, ये जानकारी मुझे मेरे पास होनी चाहिए लेकिन है नहीं, सुनेत्रा पवार जी क्या पहले से पब्लिक लाइफ में हैं? मतलब पहले वो राजनीति में थी क्या या पहली बार आ रही हैं? राजनीति में नहीं थी, लेकिन निश्चित प्रकार से 4 टाइम डीसीएम की वाइफ होने के कारण वो कई सारे सोशल प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व थे. साथ ही साथ में अजीत पवार जी का राष्ट्रीय कद निश्चित रूप से राज्य में बड़ा है, और पूना में निश्चित रूप से पवार साहब के कारण उनका कद बढ़ा रहा है. तो उनको पवार साहब से बात करके उन्होंने जो महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा विद्यापीठ है पुणे यूनिवर्सिटी, उसका सीनेट मेंबर बना रखा था. तो ऐसा नहीं कि एकदम अचानक से कहीं पे आ रही है, लेकिन हाँ निश्चित रूप से वो राजनीति में ये पिछले 15 दिन से एक्टिव है, उसके पहले वो सोशल वर्क के माध्यम से कहीं ना कहीं कनेक्टेड रहे. मतलब पब्लिक लाइफ में थी लेकिन राजनीति में नहीं, कहने का मतलब ये हुआ राजनीति में बिल्कुल भी नहीं. जी राजनीति में नहीं. एक अच्छी गृहिणी है, एक अच्छी गृहिणी है, सांस्कृतिक गृहिणी है, कल्चरल लेडी है वो,
उनके बारे में हम लोग कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहते। और वैसे भी सुप्रिया सुले जी ने बहुत अच्छे तरीके से, हमने देखा कितने बहुत ही अच्छे तरीके से उनका स्वागत किया, दोनों गले मिले और उन्होंने कहा कि भाई मेरी बड़ी बहन है तो लिहाजा मैं उनके बारे में क्या कहूँ मतलब। लेकिन सुप्रिया सुले जी मैंने देखा है पार्लियामेंट के अंदर भी अगर उनको कोई हैकल करने की कोशिश करता है, कुछ कोशिश करता है, वो सीधा स्पीकर साहब को बोल देती हैं कि भाई मैं बोलूंगी नहीं, आप इनको या तो चुप कराइए नहीं तो मैं बैठ जाती हूँ। मैंने देखा उनका उनका नेचर ऐसा है सुप्रिया सुले जी का। जी कल्चर्ड फैमिली से आते हैं राष्ट्रवादी के सभी लोग और विशेषतः पवार साहब की फैमिली तो हाईली कल्चर्ड है, तो हम लोग हमेशा हमारी संस्कृति में जो दिखाया गया है कि अपनी बात को रखने का हमको अधिकार है, लेकिन साथ ही साथ में कोई अगर हमारी बात काट रहा है तो उसको लेजिस्लेटिव वे में जो भी हमारा स्पीकर हो या जो भी हमारा बड़ा हो बुजुर्ग हो उनके सामने अपनी बात लेजिस्लेटिव वे में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करे और अपनी बात को मनवा के ले वो हम लोग काम करते हैं। लेकिन ये हम लोग कल्चर फैमिली के होने कारण जिस प्रकार से कई विरोधी पक्ष के लोग उल्टी सीधी बकवास बातें कुछ कहते रहते हैं वैसे राष्ट्रवादी का परिवार नहीं। यू नो भोसले जी बात यह है कि अमित शाह जी ने कहा कि हमने ना शरद पवार साहब के पार्टी को तोड़ा ना उद्धव ठाकरे जी के पार्टी को तोड़ा। अमित शाह जी का कहना है कि दोनों पुत्र मोह और पुत्री मोह में अपने अपने पार्टी खो दिए। बोले कि उद्धव ठाकरे जी को बनाना था आदित्य ठाकरे जी को सीएम और ये पुत्र मोह के वजह से जो सीनियर पार्टी लीडर्स हैं जिन्होंने पूरे जीवन अपने समर्पित थे बाला साहब के साथ वो विद्रोह कर दिए, वो विद्रोह कर दिया कि कल का बच्चा कैसे चीफ मिनिस्टर बनेगा। और वही अमित शाह जी का कहना है कि शरद पवार साहब के साथ हो गया, शरद पवार साहब को पुत्री मोह था, पुत्री मोह सुप्रिया सुले जी को पार्टी हैंड ओवर करना था तो दिग्गज नेता जितने थे अजीत पवार छगन भुजबल सुनील तटकरे प्रफुल्ल पटेल सब इसका विद्रोह करके निकला। तो ये मोह के वजह से पार्टी फूटा है, बीजेपी या अमित शाह जी या मोदी जी का कोई रोल नहीं है। नीलेश भोसले साहब देखिए मैं एक तो पहली बात आपको बताना पड़ा चाहूंगा कि इसमें दो तीन चीजें आपने उल्लेख किया है, मैं एक एक बात पे इस पे रोशनी डालना पसंद करूंगा। अमित शाह जी और मोदी जी इलेक्शन के दौरान भर भर के झूठ बोलने वाले लोगों में से तो वो एक नंबर के झूठे हैं। जब चुनाव का समय आता है फिर वो उनके वादे हो या उनकी बातें हो वो सब झूठे ही है। इसका मैं आपको एविडेंस के साथ में बताता हूँ। तीन दिन पहले देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे पहले के एक्स चीफ मिनिस्टर है और अभी टू आधे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है उनका खुद का एक न्यूज चैनल पे स्टेटमेंट था और वो हाईली पब्लिक में वायरल हुआ कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार साहब की और उद्धव ठाकरे जी या बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना पार्टी है ये दोनों पार्टियों को मैंने फोड़ा, माने देवेंद्र फडणवीस जी ने फोड़ा। तो देवेंद्र फडणवीस जी अगर कह रहे हैं तो मैं अमित शाह जी से ये सवाल पूछना चाहूंगा, ये देवेंद्र फडणवीस जी बीजेपी का आदमी है कि इसराइल का आदमी है? आप ही का आदमी है ना भैया ये। अगर आपका इंसान खुद बोल रहा है कि हमने पार्टी फोड़ी है तो निश्चित इसका ये मतलब होता है कि आपके आपके कहने पर उसने ये पार्टी फोड़ी है। एक चीज, सेकेंड चीज, जब आप और हम लोग ये चीजें कहते हैं कि डायनेस्टी पॉलिटिक्स या पवार साहब पुत्र मोही में ये अपने बेटे के प्यार में थे या उद्धव ठाकरे जी अपने बेटे के प्यार में थे तो हम लोग एक बात सीधे तरीके से बताना चाहेंगे कि जब ये महाविकास आघाड़ी का गठबंधन निर्माण हुआ तब कांग्रेस पार्टी में और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में सब सीनियर नेता थे जिनको चीफ मिनिस्टर पोस्ट का या डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट का बड़ा अनुभव था और ये दोनों ही नेता किसी भी जूनियर नेता के साथ में कितने अच्छे से काम कर सकते हैं उसका किसी को गारंटी नहीं था। और उस समय पवार साहब ने उद्धव ठाकरे जी को कहा और उद्धव ठाकरे जी ने भी अपने कई भाषणों में कहा कि पवार साहब के डायरेक्शंस के बाद में या उनके सुझाव के बाद में मैंने सीएम का पद संभाला था। तो ऐसा तो नहीं है कि उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को सीएम बनाने के लिए बोला था, ना ही उद्धव साहब उस वक्त रेडी थे सीएम बनने के लिए। ये सीएम बनने का प्रस्ताव भी कांग्रेस राष्ट्रवादी के सीनियर नेताओं ने मिलकर उद्धव जी को दिया था, इसलिए उद्धव जी अपने बेटे को सीएम बनाना चाह रहे थे ये तो गलत है। और रह गई बात सुप्रिया ताई की, तो सुप्रिया ताई पहले सोशल लाइफ में थी, सामाजिक जीवन में वो आदिवासी महिलाओं के लिए बड़ा काम कर रही थी और बड़ा काम करते करते उन्होंने राज्यसभा उनको जब देने का समय आया तो उद्धव ठाकरे जी की जो पार्टी है जो बाला साहब ठाकरे लीड करते थे बाला साहब ठाकरे ने पवार साहब को फोन करके बताया था या उनको बोला था कि जब आपकी बेटी अच्छा काम कर रही है और वो राज्यसभा में जाना चाहती है तो हम हमारे पार्टी की तरफ से कोई भी ऑपोजिशन में कैंडिडेट नहीं डालेंगे।
तो निश्चित रूप से बाला साहब को भी पवार साहब की बेटी का काम मालूम था, सुप्रिया ताई का काम मालूम था, और पवार साहब ने अपनी बेटी को कभी कोई मिनिस्टर नहीं मांगी है। पवार साहब ने मंत्री जब करने का टाइम हुआ तो प्रफुल्ल पटेल जी को मंत्री किया था, पवार साहब ने जब स्टेट में मिनिस्टर करने का टाइम आया तो उनके सुनील तटकरे जी को मिनिस्टर किया था, अजीत दादा को डीसीएम किया था, अपनी बेटी को कुछ नहीं किया था। इसलिए ये जो भी गुब्बारे में हवा भरने का काम कर रहे हैं बीजेपी, ये एकदम फेक है, झूठ है, ये झूठे लोग हैं, ये हमेशा लोगों को झूठ बोल के गुमराह करने का काम करते हैं। और महाराष्ट्र की जनता अभी भली भांति इससे अवेयर हो गई है कि किस प्रकार से झूठे अपने वादे करते हैं, झूठ बोल के लोगों को फंसाते हैं, इसलिए इनकी बातों में अभी महाराष्ट्र की जनता आने वाली नहीं। यहाँ पर सर एक चीज मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूँ आपको। आज जस्टिस जे विश्वनाथन हु वाज पार्ट ऑफ द बेंच हु वाज हियरिंग योर पिटीशन, आपकी पिटीशन जो सुन रहे थे, उन्होंने एक चीज कही है, बड़ी सुनने वाली बात है, बट बहुत प्रदीप जी, यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट बाय द वे फॉर आवर व्यूअर्स, दिस इज द सुप्रीम कोर्ट स्पीकिंग। कोर्ट, व्हेन द इलेक्शन कमीशन इज रिकॉग्नाइजिंग अ फैक्शन ओनली ऑन बेसिस ऑफ लेजिस्लेटिव स्ट्रेंथ and not organizational strength, is it not recognizing a split which is no longer approved under the 10th schedule, said Justice J. Vishwanathan. That way, you can engineer defections and claim the party symbol. Will it not be a mockery of the voter? The judge asked. So the Supreme Court has said very clearly, ke aap ye kya kar rahe hain? सिर्फ एमएलए इस तरफ चले गए उसके आधार पर आप मेजॉरिटी एमएलए जहां चले गए उनको आप पार्टी का सिंबल भी दे रहे हैं, संगठनात्मक तरीके से कौन कहां पर है ये इससे ये डिटरमिन होता है कि पार्टी क्या है, पार्टी कौन सी है। कुछ लोग अगर इधर चले गए और उनको आपने पार्टी सिंबल भी दे दिया, भोसले साहब निश्चित रूप से देखिए आपको एक चीज समझनी चाहिए कि 1924 में आरएसएस का जन्म हुआ जी। और अभी हम लोग 2024 में हैं, ये वो 100 साल की संगठना है जो पहले दिन से कह रही है कि हम इक्वलिटी नहीं मानते, हम भारत का संविधान नहीं मानते, हम भारत का तिरंगा नहीं मानते। जब ये भारत को देश ही नहीं मानते, भारत का संविधान नहीं मानते, तिरंगा नहीं मानते, तो ये भारत के संविधान के 10th शेड्यूल पे अमल करने के लिए कैसे राजी हो गए। ये लोग कहीं ना कहीं से एक अदृश्य शक्ति निर्माण करके इलेक्शन कमीशन को प्रेशराइज करके ऐसे ऑर्डर बनते हैं, जिसके माध्यम से फर्स्ट टाइम सच अ थिंग हैज हैपेंड। भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि डिफेक्शन हुआ और जो डिफेक्ट करके चले गए उनको पार्टी का सिंबल भी दे दिया, पार्टी का नाम भी दे दिया। मतलब निश्चित रूप से ये पहली बार हो रहा है, पूरे देश में पहली बार हुआ, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। पिछली बार एक मुझे याद है मायावती जी के पार्टी से कोई बंदे ने आउट ऑफ हाउस कहीं पे स्टेटमेंट दे दिया था पार्टी के अगेंस्ट में, और उसके अगेंस्ट डिफ्लेक्शन लॉ ये हुआ, डिफ्लेक्शन लॉ के अगेंस्ट उनको ये डिफ्लेक्शन लॉ में तो नॉन एलिजिबल कर दिया था पार्लियामेंट की तरफ से। मतलब अगर इस प्रकार की व्यवस्था ये बनाना चाहते हैं बीजेपी कि आप कुछ भी करो, आप संविधान की कोई भी प्रोविजन बताओ, कोर्ट कोई भी प्रोविजन बताए, लेकिन हम वही करेंगे जो हमने ठानी है और हम वही करेंगे जो हमारी सोच है, तो निश्चित देश के लिए बहुत ही बड़ी धोखे की घंटा है। और इसको यदि रोकना है तो इलेक्शन के माध्यम से लोगों के बीच में जाते हैं, हम लोग अपील करने वाले, यदि देश बचाना है, संविधान बचाना है, तिरंगा बचाना है, तो कुछ गद्दारों को या कुछ एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल लोगों को हम लोग को इस व्यवस्था से बाहर निकालना ही पड़ेगा। प्रदीप जी, इस आधार पर जिस आधार पर शिवसेना का नाम दे दिया गया है और शिवसेना का तीर कमान भी दे दिया गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम दे दिया गया है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का सिंबल भी दे दिया गया है, इस आधार पर अगर चलते तो 1999 में शरद पवार जी को तो हाथ का सिंबल दे देना चाहिए था और साथ में वो क्या क्या बोलते हैं उसको, पूरी कांग्रेस पार्टी दे देनी चाहिए थी। और कांग्रेस को खुद को 1978 के स्प्लिट में इंदिरा जी ने नई कांग्रेस बनाई ना, कांग्रेस आई बनाई, कांग्रेस आर होती थी पहले, नया सिंबल लेकर के आए, नया नाम दिया, सब कुछ दिया। मतलब ये पहली बार ऐसी उल्टी गंगा भाई है साहब यहाँ पे, मुझे समझ में नहीं आता कि इसका आगे चल करके प्रभाव क्या होगा। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार हम लोग अभी तक इस विश्वास में चलते थे, भरोसे में चलते थे दैट इंडिया हैज अ वेरी स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम, बड़ा स्थिर है हमारा जो राजनीति का जो ढांचा जो है
वो बहुत स्टेबल है, बहुत स्थिर है, इससे तो अस्थिरता पैदा होगी हर जगह पे। भोसले साहब वही बीजेपी करना चाहती है ना, आरएसएस का एजेंडा ही वो है कि इस देश को डेमोक्रेसी के माध्यम से दूर लेके जाना, डेमोक्रेसी से दूर लेके जाना। और जिस प्रकार से रशिया में या चाइना में राष्ट्रपति पुतिन जी जो रहेंगे और ये चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो रहेंगे, वो इलेक्शन तो कंडक्ट कराते हैं डेमोक्रेटिक रूप से, लेकिन जीतते वो अकेले ही है, उनकी अकेले कैंडिडेट होते हैं सर, कैंडिडेट भी तो एक ही होता है जी। उसी प्रकार से ये भी अपने देश को उसी लाइन पे लेके जा रहे हैं ना। देखिए बीजेपी का आप एजेंडा या बीजेपी का आप लाइन समझ लीजिए, आपकी बार 400 पार, अरे 280 होने के बाद भी आपकी सरकार बनती है ना, 300 होने के बाद भी सरकार बनती है ना, 400 पार क्यों आप उसमें स्ट्रेस कर रहे हैं? क्योंकि यदि संविधान पूरी तरीके से बदलना है तो मोर देन 3/4 मेजोरिटी आपको चाहिए, और 3/4 मेजोरिटी आपको चाहिए, इसलिए आप बार बार बोल रहे हैं आपकी बार 400 पार। देखिए आपको एक समझना चाहिए कि महाराष्ट्र ये एक सेकंड बड़ा स्टेट है, यहाँ से राज्यसभा के सबसे ज्यादा मेंबर जाते हैं उत्तर प्रदेश के बाद में। यदि राज्यसभा में इनको अपनी मेंबरशिप बढ़ानी है तो 3/4 लोकसभा के बाद में राज्यसभा में अगर कोई बिल जाए, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने का समय आए और वहां पे यदि उनको मेजोरिटी बढ़ानी है तो राज्यसभा का इनका नंबर बड़ा होना चाहिए। इसी के लिए तो ये लोग इतना तोड़फोड़ कर रहे हैं ना, महाराष्ट्र में दो पार्टियों को फोड़ दिया, शरद पवार साहब के 40 विधायक ले लिए, उद्धव ठाकरे जी के 40 विधायक ले लिए, ये 40-40 विधायक लेके अपने दो दो तीन तीन एमपीज बढ़ा रहे राज्यसभा में। ये चाहते ही है कि 1924 को अगर 2024 में 100 साल पूरे होने वाले तो इस साल हम संविधान पूरी तरीके से कैसे बदल दे, ये उसका एजेंडा सेट करके बैठे हैं। भोसले साहब, राज ठाकरे जी आज जिस प्रकार से कल अमित शाह जी के साथ बात किए, मीटिंग हो गया राज ठाकरे जी का, क्यों राज ठाकरे जी को बहुत सारे बाला साहब ठाकरे जी के फॉलोअर्स जो समझते हैं वो समझते हैं कि असली वारिस अगर बाला साहब ठाकरे जी का है तो वो राज ठाकरे जी है। आर्ट, लिटरेचर, स्पीकिंग, कैरिकेचर, पेंटिंग, हर अदा जो बाला साहब ठाकरे जी में थे वो राज ठाकरे जी में है। तो क्या कल का जो मीटिंग हो गया राज ठाकरे जी अमित शाह जी के, क्या महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में ये महायुति में और एक पार्टिसिपेंट आ गया, क्या ये एक गेम चेंजर होगा भोसले साहब, ये गेम चेंजर होगा राज ठाकरे जी, फडणवीस, एक नाथ शिंदे जी, अजित पवार, ये सब मिलके क्या एक गेम चेंजर पूरे महाराष्ट्र को स्वीप कर पाएगा? आप कैसे देखते हो इसको? जब भारतीय जनता पार्टी कहती है कि किसी भी हालत में हम लोग जो 48 सीट है महाराष्ट्र के लोकसभा के उसमें से 42 तो उनको शिवसेना पार्टी को फोड़ के लेने की जरूरत नहीं थी, शिंदे साहब को, उनको अजीत पवार को फोड़ के लेने की जरूरत नहीं थी, और राज ठाकरे जिनका एक भी एमएलए नहीं है, एक एमएलए है उनका, ऐसे पार्टी को तोड़ के लेने उनको अपने साथ बुलाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब एकदम सीधे तरीके से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, डरी हुई होने के कारण वो राज ठाकरे जैसे एक मामूली एमएलए वाले पार्टी को भी साथ में लेने के लिए तैयार है वो लोग। इतनी अगर हालत बीजेपी की खराब है तो वो तो राज ठाकरे को लेगी ही, नो प्रॉब्लम, उनको उसमें कोई, उनका गठबंधन है, उनकी सोच है, उनकी विचारधारा है। लेकिन महाराष्ट्र की जो विचारधारा है, जो बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा है या पवार साहब की विचारधारा है, ये शिवाजी महाराज के आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाली विचारधारा है। और महाराज जी, शिवाजी महाराज जी की जो विचारधारा थी कि महाराष्ट्र दिल्ली के सामने कभी झुकेगा नहीं, आज अगर राज ठाकरे साहब वहां जाके झुकना चाहते हैं, मुजरा करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की प्रताड़ना होगी, ये उनके विचारों को बैकस्टैबिंग करना होगा, और वो राज ठाकरे जैसे एक अच्छे पॉलिटिशियन को जिसका उम्र अभी 60-65 साल के आसपास हो गया है, ऐसे बुजुर्ग पॉलिटिशियन को अभी शोभा नहीं देता। अपने बच्चे के भविष्य के लिए, अगर पूरे महाराष्ट्र का स्वाभिमान खत्म करने के लिए मराठी नेता निकला है तो हमको निश्चित रूप से इसका दुख रह रहा है। हम सिर्फ ये सोच रहे या देख रहे हैं कि ये राज ठाकरे साहब को भारतीय जनता पार्टी अभी बिहार में लेके जाना पसंद करेगी या यूपी में लेके जाना पसंद करेगी, जहां पे उन्होंने कहा था कि भैयों को मारो, भैया लोगों को भगाओ, उत्तर भारतीय हमको नहीं चाहिए, अभी वही पे ये लोग जाके राज साहब को प्रचार करने में बोलेगे क्या, रिक्वेस्ट करेगी कि ये हम देखना चाहते हैं। भोसले साहब, हमने बीच में सुनील शेलके वाले इशू में शरद पवार साहब का रौद्र रूप देखा, वो गुस्से वाला रूप देखा, वो कभी ना देखा किसी महाराष्ट्र में, कभी शरद पवार साहब को ये रोल में नहीं देखा जहां उन्होंने सुनील शेलके और जो अलग अलग लोग जो थ्रेटन कर रहे थे आपके कार्यकर्ताओं को, उनको कहा कि मैं उस रास्ते पर जाना नहीं चाहता जो आप लोग मुझे घसीटना चाहते हो, मगर अगर मैं उधर उस रास्ते पर मजबूर हुआ जाने के लिए
तो सुनिए मेरा नाम शरद पवार जी है। तो ये इतने जो स्टेटमेंट है ये कभी महाराष्ट्र में किसी ने पॉलिटिकली शरद पवार, बिकॉज शरद पवार साहब जो भी करते हैं मैच्योर पॉलिटिशियन जैसे करते हैं, लेफ्ट राइट किसी को नहीं पता क्या होता है, ऐसे एग्रेसिव लैंग्वेज पहली बार, आप इसको कैसे, हाउ डू यू एनालाइज दैट भोसले साहब? देखिए मैंने पहले भी कहा कि ये छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों की भूमि है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने यहाँ पे जन्म लिया था महाराष्ट्र की भूमि में, और छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद से अभी तक हम लोगों में कल्चर है कि हमारा कार्यकर्ता हो या हमारा दोस्त हो उसको हम परिवार के रूप से देखते हैं, या हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता रहेगा तो भी हम उसको फैमिली मेंबर के तौर पर देखते, पवार साहब रहे या उद्धव साहब रहे बाला साहब रहे, हम लोग फैमिली की तरह लोगों को संभालने वाले लोग हैं। अगर हमारे फैमिली के ऊपर कोई नजर बनाए रख रहा है, तिरछी नजर से देख रहा है या उसको धमकाने का काम कर रहा है, तो अगर बात परिवार पे आएगी तो पवार साहब किसी को छोड़ेगी नहीं और हम भी किसी को छोड़ेंगे नहीं। ये लड़ाई परिवारिक हो जाएगी और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को, कार्यकर्ताओं को किसी ने डराने का काम किया, धमकाने का काम किया, तो निश्चित रूप से पवार साहब ने जो बोला है वो कृति में आने में भी समय नहीं लगेगा। लेकिन एक चीज तो ये तो मानना पड़ेगा साहब, जो आपने अभी भी बात कही, राज ठाकरे जी को अपने साथ लेकर के बहुत बड़ा रिस्क तो लिया है मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि उत्तर प्रदेश और बिहार में वो क्या जवाब देंगे, क्योंकि वहां तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ये सवाल तो पूछेगी ना कि देखिए इनके साथ इनकी गोद में कौन बैठा है। आखिरकार राज ठाकरे साहब का जो यूपी और बिहार के लोगों के प्रति जो भी एजिटेशन था, उनकी मंशा जो भी रही हो, उनका ये कहना है कि वो चाहते हैं कि यूपी और बिहार जो है बहुत अच्छी तरीके से डेवलप हो ताकि वहाँ के लोग यहाँ ना आ सकें, लेकिन फिर भी वायलेंस तो हुआ, हिंसात्मक गतिविधियाँ तो हुई यहाँ पे, अब वो क्या कहेंगे? मारपीट तो हुई है जी, मारपीट तो की है उन्होंने जी, बिल्कुल बिहार के लोगों के साथ, उसमें कोई दो राय नहीं है, वो तो हम लोगों ने कवर करी है सर, वो तो लाइव दिखाया हम लोगों ने, हर जगह पे दिखाया, ऐसी बात तो नहीं है। ऑटो रिक्शा जलाए गए, न जाने क्या कुछ किया गया, वो मनमाड स्टेशन पानीपुरी वालों को मारा गया है यार, गरीब आदमी जो 200-500 रुपए कमाता है ऐसे मारपीट करके ऐसे लोगों को राज ठाकरे और उनकी पार्टी कर देती है। और बीजेपी उस समय ताकत से ग्रोथ करती थी, मुझे नहीं मालूम बृजभूषण सिंह जी के प्रचार में जाके राज ठाकरे क्या बोलेगी कि उत्तर भारतीयों का योगदान इस देश को बनाने में कैसा है। बहुत जबरदस्त, ये देखने लायक, वो देखने लायक चीज रहेगी सर, ये बात बिल्कुल ठीक है। भोसले साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू आपको, जय भवानी, हर हर महादेव, जय सियाराम, थैंक यू वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। दैट is a major question, Pradeep. That's exactly what we were talking about as soon as we started the show. What is the BJP going to say in Uttar Pradesh and Bihar? What are they going to say? Sir, actually, if you see the voters of the BJP, yes, they have full trust in Mr. Modi. They say, you know, it's like a blank check de diya hai. Modi ji, aap kuch bhi karo, hum aapke saath hai. Because hum jante hai, aap jo bhi karo, desh hit mein kar rahe. So, I don't think, I mean, jis prakar se, aap dekho ATM, जो नोटबंदी वाले इशू, बोले कि हम एक दिन रहेंगे, दो दिन में रहेंगे, चार दिन लाइन में रहेंगे, मगर मोदी जी को वोट करेंगे। आएगा तो मोदी। यस, आएगा तो मोदी। लेट्स आस्क मिस्टर मनोज यादव। यस यस।